जी राजकुमार वेरका जी हमारे साथ मौजूद हैं जी। बताइए आज का जो रिजल्ट है, मोदी लहर दोबारा से आ चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? बड़ा नुकसान कांग्रेस का हुआ। देखिए ये लोगों का मैटर है और लोगों के मैटर के आगे हर इंसान का सर झुकता है। और जहां तक पंजाब का संबंध है, क्योंकि मैं पंजाब से संबंधित हूं और पंजाब में मोदी नाम की कोई लहर नहीं है, और यहां लोग आज भी कह रहे हैं कि ना मोदी नाल ना बादल नाल, सारा पंजाब कैप्टन नाल। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह का इतने जरा आया, वो लहर चली है और मोदी की लहर पंजाब की बाउंड्री तो बाहर। लेकिन राजकुमार जी सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस जो है देश के मुद्दे उस पर बात करते हैं, पंजाब की और भी मैं जरूर आऊंगी, लेकिन देश के उस पर बात कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि अभी बात चल रही थी, पैनल बैठा था हमारे साथ, वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट में कमी है कांग्रेस की। अगर आला कमान की बात करें, हाई कमान की बात करें, हालांकि प्रियंका गांधी भी मैदान में आई, रोड शो किया, पंजाब में भी आई, फिर प्रियंका गांधी जी के नाम पर भी लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी जो रुझानों के मुताबिक अब तक की जो कमी है वो कांग्रेस में है। देखिए देश से सबसे ज्यादा विशेषज्ञ जितने भी रहे हैं या बहुत सी सियासी पार्टियों ने इस बात के लिए शंका जाहिर की है कि ये जो ये मशीनें हैं वोटिंग मशीन, और इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसके लिए बहुत तरह तरह के शंके पैदा किए जा रहे हैं, और बहुत से विशेषज्ञ ने भी इस पे अपनी राय दी है और बहुत से देश की बाहर भी आप मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, शक जाहिर किया है। राजकुमार जी आप मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? मैं मानता हूँ। और पंजाब में फिर ये 8 सीटें जो है, पंजाब में कांग्रेस की 8 सीटें आई, वहां पर गड़बड़ी नहीं है भैया? पंजाब में जो शंका पैदा हुई है, मैंने ये कहा जो शंका पैदा है वो कोई खाली पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं जाहिर की। मैंने कहा कि दुनिया के बहुत ज्यादा विशेषज्ञ जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी इसमें शंका जाहिर की है। और मैं महसूस करता हूं कि अगर वीवीपैट के साथ इसका मिलान 100% किया जाए तो वो दूध का दूध और पानी का पानी आज भी सामने हो सकता है। और ये मैं महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो खेल है ये कहीं ना कहीं माफिया का काम है। लेकिन राजकुमार जी अभी विधानसभा 2 साल पहले अभी जो वोटिंग हुई वहां पर 5 में से आपने 3 पर सत्ता हासिल की, पंजाब में भी इलेक्शन हुए, वहां पर कांग्रेस पार्टी है और 8 सीटें यहां पर हैं, फिर भी ईवीएम का सवाल दोबारा से फिर वही, क्योंकि अभी की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, इतनी बड़ी लीड से मोदी लहर आ रही है, मोदी जीत रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा फर्क, अगर ईवीएम की गड़बड़ी का फिर यही सवाल, आप हमेशा ही इसको मुद्दा बनाते हैं, कमियां जो रहेगी उस पर आप बातचीत कीजिए कि कहां कमी रही कांग्रेस की। देखिए यहाँ कमियां रह गई है, वो कमियां को हम देख रहे हैं। मैंने आपको ये कहा कि भैया ये एक पार्टी सवाल उठा रही हो तो बात और है। मैंने कहा कि दुनिया के विशेषज्ञ ने कहा है कि इस मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, इसमें तो फिर कोर्ट ने क्यों सुनवाई नहीं की आपकी? कोर्ट ने भी आपको खारिज कर दिया जा सकता है, कोर्ट ने भी आपको खारिज कर दिया, तो फिर वहां सुनवाई क्यों नहीं हुई? मैंने कहा ये मैं भैया मैं तो कह रहा हूँ कि अगर शंका जाहिर की गई है तो शंका के पीछे भी कोई कारण है। शंका ईवीएम पर हमेशा बनी रहती है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी बातचीत।